निश्चित में हम आप तक लगातार रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़े अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दो और देश हैं जो अब रशिया के निशाने पर हैं। रशिया ने इस बार दुनिया के सबसे शांत देश फिनलैंड और स्वीडन को युद्ध की धमकी दी है और इस बार भी वजह नेटो है। रूस ने कहा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो उनका भी अंजाम वही होगा जो यूक्रेन का हुआ। यूक्रेन से जंग जारी, अब स्वीडन और फिनलैंड की बारी। यूक्रेन पर रूस के हमले को 49 दिन बीत चुके हैं। इस जंग में यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। चाहे कीव हो या खारकीव, ओदेसा हो या मरियुपोल, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें बची हैं। अभी तक रूस के हमले और तबाही का दायरा सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं तक नजर आ रहा था, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके बाद खतरा यूरोपीय देशों तक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। दुनिया खौफ में है, क्या यूक्रेन के बाद अब दुनिया के सबसे खुश देश माने जाने वाले फिनलैंड पर भी रूस के बम गिरेंगे? क्या यूरोपीय देश स्वीडन पर भी रूस की मिसाइलें बरसेंगी? इस संभावित हमले की वजह वही हो सकती है जो यूक्रेन पर रूस के हमले की थी। फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं और रूस को ये मंजूर नहीं। रूस ने अब फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी दी है, अगर वो नेटो में शामिल हुए तो रूसी मिसाइलों का अगला टारगेट वही होंगे। रूस ने जो यूक्रेन पे अटैक किया उसने बेसिक ये कारण कहा कि नेटो के देश हैं, ये मेंबर बनते जा रहे हैं और मेरी बाउंड्री पर एक और यूक्रेन आ जाएगा, यहां पे न्यूक्लियर मिसाइल लगेंगे मेरे खिलाफ, मेरी घेराबंदी कर रहा है नेटो। अब इस लॉजिक से अगर आप जाएंगे तो अगला एग्रेशन अगर रशिया का होगा तो वो फिनलैंड के अगेंस्ट होना चाहिए। और ये कोरी धमकी नहीं, क्योंकि रूस ने पहले अपने उत्तरी पड़ोसी देश को नेटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी और कुछ घंटों बाद ही मिसाइल प्रणाली सहित भारी रूसी हथियारों को फिनलैंड के साथ लगती सीमा की ओर बढ़ते देखा गया। रूस ने बेहद कड़ी चेतावनी देते हुए इन देशों को धमकाया है कि अगर इन देशों ने कोई भी गलत कदम उठाया तो महायुद्ध छिड़ सकता है। अब रूस की इस बौखलाहट की वजह भी समझिए। इसी जून में नेटो का स्पेन के मैड्रिड में सम्मेलन होना है, लेकिन इस सम्मेलन से पहले ही नेटो के चीफ ने संगठन के विस्तार को लेकर खुला ऑफर दे दिया। नेटो ने साफ किया कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें इसका हिस्सा जरूर बनाया जाएगा। फिनलैंड जो कि नॉन नेटो है उस पे रशिया करेगा क्यों नहीं, उसे वार्निंग दे सकता है कि 72 घंटे के अंदर आप ये साइन करो न्यूट्रलिटी की, आप नेटो नहीं ज्वाइन करोगे नहीं तो मैं अटैक कर रहा हूँ। और स्वीडन को भी इन दोनों को इस तरह की 72 घंटे की वार्निंग दे और अटैक करे, नेटो क्या कर लेगा वैसे केस पे। लेकिन इस बयान ने पहले से ही खराब माहौल को और बिगाड़ दिया। यूक्रेन को तबाह करने पे तुला रूस आग बबूला हो गया। सच्चाई यह है कि स्वीडन और फिनलैंड पुतिन के इरादों से डरे हैं और सुरक्षा के लिए नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोनों ही देश इसके लिए अपनी मंशा भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उनका यह फैसला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जंग की वजह भी नेटो ही था। और 24 फरवरी को शुरू हुई यह जंग आज 49वें दिन भी जारी है। यूक्रेन का यह अंजाम देखने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन नेटो की तरफ देख रहे हैं। नेटो भी उन्हें अपने कुनबे में शामिल होने का निमंत्रण दे रहा है, लेकिन ऐसा होता है तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा और तब कोई छोटी मोटी जंग नहीं होगी बल्कि महायुद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जंग छिड़ती है तो सिर्फ यही एक वजह नहीं होगी। स्वीडन 1939 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश की फौजी मदद कर रहा है और रूस इससे भी नाराज है। हालांकि स्वीडन भी रुख को भांप रहा है और अपनी सेनाओं को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कह चुका है। स्वीडन और फिनलैंड पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर जंग होती है तो कोई आए ना आए वो दोनों मिलकर अपने देशों की हिफाजत करेंगे। यानी पहले से ही सुलग रहे यूरोप में एक नई जंग का खतरा पैदा हो चुका है और अगर यह जंग हुई तो विश्व युद्ध से कम पर खत्म नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।